मैं कमलेश कुमार, तारकेश्वर नारायण अग्रवाल, शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय हरिगांव आरा से। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्र छात्राओं को बताना चाहता हूं कि विद्यालय में खेल कूद के दौरान लगने वाले सामान्य चोट क्या होते हैं एवं उनके कारण क्या होते हैं चोट लगने के, तथा उन चोट से बचाव कैसे किया जा सकता है एवं उपचार की समझ पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आपको बीएड, डीएलएड, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अथवा बीपीएड, एमपीएड, ये अधिकतर जगहों पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये डीएलएड के यूनिट में भी है, डीएलएड के कोर्स में भी है आपका, कि विद्यालय में खेल कूद दौरान जो लगते हैं सामान्य चोट वो किस प्रकार के होते हैं, क्यों लगते हैं, उनके कारण क्या है, उनसे कैसे बचा जा सकता है और अगर चोट लग जाती है तो हमारी समझ किस प्रकार की होनी चाहिए उस चोट के प्रति, इस पे आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश डालेंगे। तो आप इसे समझने का प्रयास करें। अगर आपको कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे पॉइंट्स इसमें समझ में नहीं आएंगे तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा और अगले दिन उसे हम क्लियर करेंगे। तो आइए चलते हैं। जो खिलाड़ी या जो विद्यार्थी अगर विद्यालय में खेल कूद के दौरान भाग लेता है तो ये स्वाभाविक सी चीज है, अगर व्यक्ति भाग लेगा किसी भी खेल में तो उसे वार्म अप करना अनिवार्य होता है, उसे खेल से पहले अपने बॉडी को वार्म करना अनिवार्य होता है, अन्यथा चोट के प्रतिभागी बनता है। तो इस दौरान अगर खेल के दौरान अगर व्यक्ति प्रतिभाग करने का प्रयास करता है तो उसके पहले उसको वार्म करना है, एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है, जिससे चोट से वो बच सके। अगर व्यक्ति व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है तो ये भी संभावना बढ़ जाती है कि उसमें चोट लगती है, क्योंकि चोट लगना और वार्म करना इन दोनों का संबंध बिल्कुल घनिष्ठ है। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति व्यायाम करता है, प्रतिभाग करता है तो उसे चोट लगने की संभावना बढ़ती है। तो जैसे वार्म करने के लिए व्यायाम करते हैं जब, तो उसमें कई प्रकार के व्यायाम होते हैं, हाथ का होता है, सर का होता है, पैर का होता है, घुटनों का होता है, हिप का होता है, अनेकों प्रकार के व्यायाम होते हैं। जिस प्रकार का हमारा प्रतिभाग रहता है, जिस प्रकार के खेल प्रतिभाग करना है, उस प्रकार का हमें एक्सरसाइज है अत्यधिक जरूरी होती है। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि अगर पैर का व्यायाम करते हैं तो पैर का व्यायाम करते करते ये अमूमन सी बात, ये सामान्य सी बात हो जाती है कि घुटने में दर्द होता है। तो घुटने में दर्द होना या दरारें पड़ जाना ये बिल्कुल सत्य है कि उस दौरान उनके पैरों में दर्द होंगे। तो ऐसी स्थिति अगर जागृत होती है तो उस दौरान स्पोर्ट्स जो विशेष हमारे डॉक्टर होते हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए, या जो अदर डॉक्टर्स होते हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद हमें किसी प्रकार का एक्सरसाइज या किसी प्रकार के खेलों में भाग लेना चाहिए, अन्यथा हमारा खेल जीवन भी प्रभावित हो सकता है। तो सबसे पहला तो ये ध्यान देना हमको कि अगर कोई भी खेल करते हैं उससे पहले बॉडी को वार्म करना है, एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक है, ये स्वाभाविक सी चीज है कि हम चोटिल होंगे। तो चोट लगने के दौरान या दर्द होने के दौरान पैर में हो या कहीं पर हो तो उस विशेष जो हमारे फिजियो होते हैं या एक्सरसाइज के दौरान जो फिजियो डॉक्टर जिनके देख रेख में हम ये वार्म करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद अगर इससे आगे भी दिखाना है या तो प्राइवेट में कहीं किसी डॉक्टर से सलाह लें कि हमारे में इस प्रकार की दिक्कत है, क्या हमें खेलना चाहिए क्या नहीं खेलना चाहिए, इस पर जो है सजेशन डॉक्टर से जरूर लें, अन्यथा आपका खेल जीवन खराब हो सकता है। तो ये आपका पहली सावधानी है। अब इस दौरान खेल कूद के दौरान जो लगते हैं सामान्य चोट वो कौन कौन से होते हैं, मैं उसके बारे में प्रकाश डालूंगा। जैसे खिंचाव या मोच आ जाना, ये पहली ये स्वाभाविक चीज है, अगर खेलेंगे तो ऑटोमेटिक मोच या मांसपेशियों में खिंचाव आ जाते हैं। उसके बाद होता है घुटनों में घुटनों की चोट, जब एक्सरसाइज करते हैं या खेल में किसी में प्रतिभाग करते हैं तो जहां पर अचानक मुड़ जाना या तेजी से दौड़ना या कहीं पैर थोड़े से गड्ढे में पड़ जाना या कहीं ऐसे ग्राउंड मिल जाते हैं जहां का बिल्कुल फ्रेश मार्किंग नहीं होती है, वहां पर ऐसे कुछ हो जाते हैं तो घुटनों में चोट आने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद मांसपेशियों में सूजन हो जाना, फिर पिंडली की हड्डी के साथ दर्द होना, ये क्या है आपकी स्वाभाविक चीज है, स्वाभाविक से ये आपका चोट लगने का जो लक्षण है या ऐसे चोट लग सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है अस्थि का भंग होना, अस्थि का भंग जैसे हड्डियों को टूट जाना, बिखरना खेल के दौरान। उसके बाद
जोड़ विस्थापन, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जोड़ विस्थापन और मोचन। जोड़ विस्थापन ये इस प्रकार की स्थिति बन जाती है कि जब हम एक्सरसाइज खेल के दौरान या खेल के जैसा हमारा खेल है, जैसा हमारा प्रतिभाग कर रहे हैं जिस खेल के प्रति, उस खेल के प्रति, उस खेल के संबंध में अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वहां पर हमारा वहां पर जो है जोड़ विस्थापन की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हमें रेसलिंग करनी है तो रेसलिंग के लिए क्या करना, हमें एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा कंधों की, बाजुओं की, वेट लिफ्टिंग उठाना, ऐसी चीजें जिसमें ताकत आ, क्योंकि हमें ऑटोमेटिक जर्क करना है, किसी को पुश करना है, किसी को उठाना है, तो ऐसे स्थिति में हमारा ये जोड़ कहीं अपने स्थान से दूसरे स्थान पर घसक सकता है। इसलिए इससे संबंधित हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, पुशअप करनी चाहिए, कुछ भारी वेट उठाना चाहिए जिसे वेट लिफ्टिंग कहते हैं, उसके माध्यम से एक्सरसाइज करनी चाहिए। तमाम एक्सरसाइज ऐसी होती है जिससे हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, रेसलिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। उसी प्रकार कबड्डी है, अगर कबड्डी में हमें प्रतिभाग करना तो कबड्डी के जो पकड़ होती है उस पकड़ की एक्सरसाइज कैसे होनी चाहिए, कलाइयों कैसे मजबूत करना है, कंधों कैसे मजबूत करना है, क्योंकि खींचते दौरान हमारे कंधों के जर्क लग सकते हैं, अचानक जोर पड़ सकते हैं, तो इस दौरान हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये तमाम चीजों की जानकारी होना अनिवार्य है। ये हमारे होते हैं सामान्य चोट। उसके बाद अब देखते हैं इन चोटों का जो उपचार कैसे किया जा सकता है। जैसे अगर खिंचाव हो जाता है तो खिंचाव भी अत्यधिक खिंचाव होने के कारण पेशियों में क्या होता है कि फाइबर फट जाते हैं, तो इन कारणों से हमें हमारे पेशियों में खिंचाव आना, उसके बाद दर्द होना, ये तमाम प्रकार का लिगामेंट टूट जाना, तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, ये बिल्कुल दर्द मोच, पैरों से चल नहीं पाते हैं, पैरों में सूजन हो जाता है, तो इनके लिए क्या करना है आपको कि सबसे पहले एक्सरसाइज आप ऐसा करें कि पैरों को खोलें, स्ट्रेचिंग करें जिससे हमारे मसल्स खींचे और खेल के लिए रेडी हो, ठीक है। तो ये खिंचाव है, अगर खिंचाव हो जाते हैं तो उन्हें क्या करना है हमें उपचार के लिए कि उस वस्तु जहां पर चोट लगती है वहां पर किसी प्रकार के बाहरी वस्तु का टच ना होना, उसके बाद कुछ ऐसे कोमल पैडों का इस्तेमाल करना वहां पे जहां पे ऐसा लगे कि भारीपन ना हो, बिल्कुल हल्का हो, उसके बाद उसमें गर्म थोड़ा सा हवा का जो है उसमें प्रयोग करें, हवा दें, उसके बाद कुछ गर्म पानी से धोएं, बर्फ से धोएं, उसके बाद बर्फ से मालिश कर सकते हैं। फिर आता है अधिक से अधिक इसमें क्या करते हैं, कंप्रेसर जो थोड़ा सा दबाव दे कंप्रेसर कर मालिश करें, इससे हमारा क्या है कि मसल से जो इससे हमारा जो है खिंचाव जो है थोड़ा अच्छे कंडीशन में आया, अच्छे सही हो सके, जल्दी रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है मोच होने पर खिलाड़ी को एक जगह पर बैठना चाहिए, कहीं घूमना नहीं चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, बिल्कुल सोना चाहिए, और अपने जहां पर खिंचाव पैरों में खिंचाव हो जाता है, मोच आ जाता है, तो पैरों को बिल्कुल अपने बॉडी के सामान्य ऐसे पैर फैलाकर रखना चाहिए या हल्का सा पुश करके ऊपर की तरफ इसको पैर को करना चाहिए जिससे हमारे पैरों को भार ना पड़े। उसके बाद आता है आपका घुटनों में चोट अगर लग जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, घुटनों में दर्द जो होता है या चोट लग जाता है उसके एक और नाम भी होते हैं एसियल, इसका होता है एंटीरियर क्रिएट लिगामेंट, ये हमारे जो प्रभावित होते हैं तो घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इनसे बचने के लिए हम क्या करना चाहिए हमें कि उचित व्यायाम और इनसे संबंधित ट्रेनिंग आदि का सहयोग लेना चाहिए जिससे हमारे घुटनों में किसी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार का दर्द न हो सके। इसके लिए विशेष व्यायाम भी बताए गए हैं, कुछ ऐसे विशेष व्यायाम है जैसे हैं हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज जिससे हम पैर के टांगों को मसल्स को सही कर सकते हैं, उसमें ताकत ला सकते हैं, जिससे समग्र संतुलन हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे घुटने ना मुड़े और अपने आप को संतुलित रख सकते हैं। ये हमारे हो गए एक्सरसाइज घुटनों के लिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं इसमें और कितने हो सकते हैं, टांग के लेट कर ऊपर की तरफ करके एक्सरसाइज करना, अप डाउन करना, ऊपर नीचे करना, इससे हमारे मसल्स भी स्थिर होने में ताकत आ सकती है जिससे हमारे घुटनों में जो है बल मिल सकता है। उसके बाद कुछ ऐसे इसमें दर्द निवारक भी चीजें ली जा सकती है दर्द होने पे,
नॉन स्टेरॉइड्स उसको एंटीबायोटिक ड्रग्स होते हैं वो लेनी चाहिए, जिससे हमारे पैरों में दर्द ना हो। उसके बाद दर्द निवारक गोली लेनी चाहिए। उसके बाद पैरों को मजबूत तथा जोड़ों को हिलने डुलने ना दें, ये हमारे उपचार हैं। उसके बाद अब देखते हैं मांसपेशियों में सूजन जो होते हैं वो किन कारणों से हो जाते हैं। मांसपेशियों में मांसपेशियों में सूजन ये किन कारणों से हो जाते हैं। जब हम खेल के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, या खेल के अभ्यास नहीं करते हैं, या खेल के जो कौशल हमें सिखाए जाते हैं उस कौशल का खेल के दौरान प्रयोग नहीं करते हैं, या प्रयोग करने में कोई गलती कर देते हैं, तो वहां पर मांसपेशियां हमारे खींचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमें चोटिल होने के चांसेस बढ़ जाती है। इस दौरान मांसपेशियों को अगर फिट रखना है या अपने आप को फिट रखना है, इससे सबसे पहले एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मांसपेशियों में सूजन आ जाते हैं तो मांसपेशियों में सूजन आने का कारण क्या है कि जैसे हम प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं किसी भी खेल के लिए कि गेंद को सीधे उठाना है, सामने सीधे दौड़ना है, तो उस प्रकार की अगर एक्सरसाइज करते हैं तो ठीक है, लेकिन परंतु कहीं ऐसे से परिस्थिति आ जाती है कि सीधे जगह ना जाकर हमें क्या करना पड़ता है, जिग-जैग स्थिति में या अचानक ऐसे मुड़ जाना, ये तमाम प्रकार की परिस्थितियां जागृत हो जाती है। इसके लिए भी हमें क्या करना है, एक्सरसाइज इसके लिए भी प्रैक्टिस करके रखनी पड़ती है। लेकिन हम जब ऐसे प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वहां पर अगर खेल के दौरान ऐसे कुछ घटनाएं होती है मेरे साथ, तो हमें वहां पर मांसपेशी हमारी घिस जाती है, वहां पर हमारा लिगामेंट टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हमें कंडीशनिंग करना अति महत्वपूर्ण होता है। और इसके लिए हमें क्या, फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा जो एक्सरसाइज होगा उस फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन और आपका जो है स्प्रेन, ये खिंचाव, या आप उसके लिए स्ट्रेचिंग अत्यधिक से अधिक करें जिससे हमारा मांसपेशियों में सूजन या खेल के दौरान किसी प्रकार की कोई ऐसी परिस्थिति जागृत न हो जाए जिससे हमारा खेल बाधित हो। ये इसके लिए अब हम उपचार के रूप में क्या देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या करना, आराम करना। अगर हमारी मांसपेशी घिस जाती है किसी प्रकार से तो उसमें हमें आराम अत्यधिक करना चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए कि जहां पर हमारी मांसपेशी घिस जाती है वहां पर किसी प्रकार का बाहरी दबाव, बाहरी किसी प्रकार का जोर उस पर न लगना चाहिए। चलने में अगर चलते हैं तब किसी का सहारा लेकर, या ग्राउंड में गिर जाते हैं, कुछ भी हो जाता है खेल के दौरान मांसपेशियों में, तो एक दूसरे का सहारा लेकर बाहर जाने का प्रयास करें। उसके बाद मांसपेशी संबंधी अत्यधिक व्यायाम करने का प्रयास करें, और वो भी प्रयास उस समक्ष करें जहां पर विशेष ट्रेनर हो, उनके सामने ऐसे ट्रेनिंग लें, उनके सामने ऐसे व्यायाम करें जिससे मांसपेशी हमारी जल्द से जल्द रिकवर हो सके। उसके बाद इसमें आता है लगभग कि जहां पर मांसपेशी खिंच जाती वहां पर हमें वार्म पानी से धोना चाहिए, कम से कम दिन में एक दिनों में 3 बार, और एक बार बर्फ से सिकाई करनी चाहिए। जैसे इसका आप अगर 5 मिनट धोते हैं तो 5 मिनट लगभग धोने में 3 मिनट गर्म पानी से धोइए और 2 मिनट बर्फ से सेकिए। इस तरह से हम उसमें मांसपेशियों में सूजन दर्द दोनों कम कर सकते हैं। उसके बाद खेल से पहले स्ट्रेचिंग करना अनिवार्य होता है, ये ध्यान दें आप सबसे पहले कि स्ट्रेचिंग इज द मस्ट, तभी खेल में आप प्रतिभाग करें, अन्यथा प्रतिभाग न करें। उसके बाद आता है अस्थि भंग, उसके बाद आपका आता है अस्थि भंग। ये अस्थि भंग मतलब हड्डियों का टूटना, हड्डियों का टूटकर बिखरना। हड्डी भी कई प्रकार से टूटती हैं, उनके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग पहचान होते हैं, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। कि जैसे एक होता है कि प्रत्यक्ष बल, एक होता है अप्रत्यक्ष बल। इस दौरान अगर हम प्रत्यक्ष बल लगाते हैं तो उससे हमें दिखाई देता है कि हमें क्या करना है, हड्डी के ऊपर बल पड़ जाते हैं। जैसे धक्का देना, इससे हमें समझ में आता है प्रत्यक्ष भंग में धक्का दे रहे, दिखाई दे रहा है, तो उसमें अपने आप क्या करते हैं, हम कंट्रोल करने की प्रयास करते हैं। या किसी प्रकार से हम किसी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, दब जाते हैं, तो ये भी हमें दिखाई देता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से दबे हुए, ये हमारा चोट लगा। उसके बाद एक होता है अप्रत्यक्ष बल, जहां पर हमें दिखाई नहीं देता और अचानक हम प्रयास
कर देते हैं उस बल को ज्यादा लगाने का। जैसे मैंने अभी बताया ना कि अस्थि विस्थापन, जब हमारे जोड़ विस्थापन कि जोड़ में अचानक हम देख नहीं रहे हैं कि इसमें कितना बल, ये प्रत्यक्ष रूप से हम दिखा देख रहे हैं कि कितना बल लगा रहे हैं, लेकिन अचानक गेंद को उठाकर फेंक देना, उस दौरान ये पता नहीं चल जाता कि हम कितना बल लगा दिए उसमें, तो वहां पर हमारे जर्क लगने से, कंधों में जर्क लगने से हमारी अस्थियों में, मांसपेशियों में खिंचाव या हमारे अस्थियों का जो है स्थान परिवर्तन होने लगता है, वहां पर जो है तमाम प्रकार की समस्याएं, वहां पर सूजन इत्यादि चीजें दिखाई देने लगती है। ये हमारा होता है अप्रत्यक्ष बल। इस दौरान हमें क्या करना है कि जब कुछ भी किसी प्रकार के हंसने का चटकना, जैसे हम यहाँ पर अचानक धक्का मार देना, तो हमने ये नहीं देख, हमें दिखाई नहीं देता कि हम कितनी तेजी से मारा है धक्का, यहाँ पर अगर पसली पर हमारे लग किसी प्रकार पर लगते हैं तो यहाँ पर अंदर से टूट जाते हैं, वो दिखाई देती। ये हमारा क्या है, अंदर से चोट लगने का जो है एक वो है। जैसे मुट्ठी बांध लेना, मुट्ठी बांध के जोर लगाना, अब जोर कितना तेजी से लगता है इसका माप तो हो नहीं पाता अचानक उस दौरान, लेकिन बाद में समझ में आता है कि हमने कितना जोर लगाया कितना नहीं लगाया है। या कोई व्यक्ति, इसका थोड़ा एक और एग्जांपल है कि कोई व्यक्ति अगर कभी प्रैक्टिस में थ्रोइंग नहीं किया, कभी गेंदबाजी नहीं किया क्रिकेट में, और वो उठा के अचानक गेंदबाजी करने का प्रयास करता है, तो वहां पर उसको जोर जो वो ताकत लगाता है उसको ये क्लियर नहीं हो पाता कितने परसेंट पर ये कितना जो है अधिक ताकत लगा के फेंक रहा है या कितना लगाना चाहिए, उस दौरान जो हड्डी विस्थापन हो सकते हैं, उससे अस्थि भंग हो सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें फ्रैक्चर के प्रकार कितने होते हैं। साधारण हम फ्रैक्चर बंद फ्रैक्चर जानते हैं, जब बंद फ्रैक्चर में ये होता है कि जब टूटी हुई हड्डी पर कोई जंग, कोई जख्म दिखाई ना देना, ये आपका साधारण बंद फ्रैक्चर होता है। उसके बाद संयोजित या निवृत्त फ्रैक्चर होता है, जिसमें हम टूटी हुई हड्डी के सिरे चमड़ी के पार हो जाए, ये होता है कि जब आप की हड्डी संयोजित टूट जाती है तो चमड़ियों के माध्यम से इससे बाहर निकलने का प्रयास, या बाहर दिखाई देने लगती है, वो संयोजित नहीं तो हड्डी टूटना, ये हड्डी का प्रकार होगा। उसके बाद अस्थि भंग का विखंडन क्या होता है कि जब शरीर के कुछ महत्वपूर्ण आंतरिक ढांचे को, जैसे दिमाग, सर में, उसके बाद रीढ़ की हड्डियों में, नाड़ियों में, फेफड़ों में, यकृत में, लीवर में, किसी प्रकार के मुख्य स्राव में विस्थापन, श्राद्ध जोड़े जो फ्रैक्चर हो जाते हैं उनमें ये अस्थि विखंडन होते हैं। उसके बाद संचारित, ये होता है संचारित फ्रैक्चर, जिसमें होता है जल एवं हड्डी में कई टुकड़े हो जाना, जब हड्डियों में कई टुकड़े हो जाते हैं तो वह संचारित फ्रैक्चर कहलाते हैं। उसके बाद एक आता है संघटन फ्रैक्चर, यह फ्रैक्चर उस प्रकार के होते हैं जब हड्डी टूटकर एक दूसरे हड्डियों में घुसने का प्रयास, ये घुस जाती है, जैसे हड्डी ऐसे मारी है, टूटने के बाद इसमें प्रवेश कर जाना, ऐसे बिल्कुल पहन लेना, बिल्कुल उसके अंदर घुस जाना, वो हमारा संघटन हड्डी कहलाता है, फ्रैक्चर कहता है, और उसे संघटन फ्रैक्चर कहते हैं। उसके बाद इसमें आता है एक ग्रीन स्ट्रेक फ्रैक्चर, ये ऐसे फ्रैक्चर होते हैं जहां पर अत्यधिक बच्चों में पाए जाते हैं, ये घटित इस प्रकार के होता है कि हड्डी चटक जाती है और बिना पूर्ण दूसरी ओर झुक जाती है, ये इस प्रकार, जैसे हड्डी अचानक हमारी इस प्रकार की है और टूटने पे ये क्या करती है कि ऐसे बिल्कुल झुकने का, बिल्कुल मुड़ जाती है, ये अधिकतर बच्चों में पाया जाता है या बड़ों में भी पाया जाता है कि जब चोट ऐसे लग जाती है गेम के दौरान तो हम उसको खपचारी या किसी प्रकार का लगा के सीधा नहीं करते हैं, तो ये यहाँ पर मुड़ने का प्रयास करती है, अगर ये मुड़ जाती है तो जल्दी या आने वाले समय में भी ये सीधा होना जो है अनिश्चित कहलाता है, ये सीधा नहीं हो पाता, इसलिए से ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हड्डी के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद एक आता है ऑनर फ्रैक्चर, इस फ्रैक्चर के दौरान जब ऊपरी भाग में फ्रैक्चर हो या खोपड़ी, जैसे खोपड़ी पार्श्व, उसके बाद टूटी हड्डी और कुछ ऐसे होते हैं जहां पर हमें जैसे लगता है कि केवल महसूस होता है कि यहाँ पर टूटा हुआ, या कुछ ऐसा सर फट जाना, सर पर लग जाना, चटक जाना, ऐसा होता है ना, उस दौरान इसे औनत जो है फ्रैक्चर कहते हैं। उसके बाद इसके लक्षण क्या होते हैं, जैसे दर्द हो कहीं कहीं, या जहां पर चोट लगा है वहां पर कभी कभी अचानक दर्द हो, उसके बाद फ्रैक्चर के आसपास सूजन होना,
ताकत खो देना, उसके बाद अंगों में विकृति दिखाई देना, जैसे ये हमारी सीधी उंगली अगर चोट लग जाती है इसमें तमाम प्रकार की, जैसे इधर हो जाना, घूम जाना, टेढ़ा हो जाना, ये विकृति दिखाई देती है। अपने स्वाभाविक जो नेचर इसका होता है उसमें ये विपरीत दिशा में जाने लगती है। उसके बाद पीड़ित जो हमारा भाग होता है उस पर किसी प्रकार का भार दबाव नहीं देना चाहिए। अगर दबाव देते हैं तो वहां पर और हमें दर्द सहने का जो है प्रयास करना चाहिए। ये तो आपको चोट से बचा सकता है या इसके चोट के लक्षण होते दर्द होना। उसके बाद एक आता है विस्थापन चोट। इस चोट के दौरान क्या करते हैं कि अपने जो लचीले जोड़ होते हैं अत्यधिक प्रभावित होते हैं। इस दौरान जो विस्थापन चोट होते हैं, विस्थापन चोट में हमारे जितने लचीले जोड़ होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। जैसे सामान्य अथवा व्यवहारिक तौर पे हम कहते हैं कि अचानक उठने में दर्द महसूस करना, या हाथ ना उठना, या हड्डी अपने सामान्य स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हो जाना, इस प्रकार की अगर चीजें दिखाई देती हैं, इस प्रकार का ऐसा आपके साथ घटना होता है तब इसे कहते हैं विस्थापन चोट या चोट विस्थापन। उसके बाद इसके जो लक्षण होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, जोड़ पर शक्तिशाली प्रहार करना। अगर हम किसी प्रकार के जोड़ पे अचानक प्रेशर देते हैं तो वहां पर हमारी अस्थि, वहां पर हमें विस्थापन चोट की संभावना बढ़ जाती है। मैंने ऐसे ही पहले बताया, जैसे अचानक हिट करना, अचानक थ्रो कर देना, अचानक झुक जाना, अचानक स्पीड पकड़ लेना, यहाँ पर विस्थापन चोट लगने की संभावना अत्यधिक रहती है। तो इस प्रकार से चोटों को बचने के लिए अपने आप को पहले एक्सरसाइज करेंगे, उस प्रकार से करेंगे जैसा कि उसे संबंधित हमारा एक्सरसाइज हो जिस गेम में हम प्रतिभाग करने जा रहे हैं। अब आप देखते हैं, जैसे इसमें लिखा गया था कि सामान्य चोट जो लगते हैं उनके कारण क्या होते हैं, किन किन कारणों से लगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कक्षा के दौरान, ये तो हमारे स्पोर्ट्स विद्यालय खेल के दौरान है, उसी प्रकार कक्षा के दौरान जब हम किसी बालक से प्रश्न पूछते हैं, उस बालक को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है और अचानक दूसरे बालक उस प्रश्न का उत्तर देता है, तो जो बालक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता उसमें खिंचाव से मानसिक तनाव आने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। उस दौरान हमें क्या करना चाहिए, ट्रेनर शिक्षक या खेल कूद के दौरान हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले अगर क्लास में है तो क्लास जो हमारा पॉइंट है जिसमें हमें बात करनी है उसके बारे में बिल्कुल सरल भाषा में, व्यवहारिक भाषा में, बच्चों की भाषा में बताने का प्रयास करें, जिससे बच्चे उस प्रश्न के बारे में जानने के लिए इच्छुक हों, वो पढ़ाई करने के लिए तात्पर्य हो जाए या आपके अकॉर्डिंग चलने का जो प्रयास करें। तो उस दौरान अगर ऐसा हम भाषा का ऐसे शैली का प्रयोग करते हैं जहां पर चोट लगने का कारण कम हो जाए, ठीक है। अगर इस भाषा का हम ऐसे उनके भाषाओं में प्रयोग नहीं करते या उनके सरल उनके व्यवहार में भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं तो वहां पर ये हमारा चोट, वहां पर उनको मानसिक तनाव होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस अगर स्पोर्ट्स में से देखेंगे तो स्पोर्ट्स में क्या होता है कि खेल के दौरान कोई भी शिक्षक हो या ट्रेनर हो इस बात का जरूर ध्यान दे कि जो बालक प्रतिभाग करने जा रहा है खेल में या जो प्रतियोगिता में अपना नाम देने जा रहा है वो शारीरिक रूप से फिट है या नहीं, वो खेलने के लायक है या नहीं। अगर खेलने के लायक है या उसकी बॉडी फिट है तो उसे प्रतिभाग करने दें, अन्यथा उसको प्रतिभाग करने से मना कर दें, अन्यथा उसे चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये पहला कारण हो गया। सेकेंड कारण क्या होता है कि खेल के दौरान ट्रेनर प्रशिक्षण विशेष रूप से ध्यान दें कि खेल में भाग लेने के लिए बच्चे मानसिक रूप से परिपक्व है या नहीं। तो इस दौरान अगर हम वो चेक कर लेते हैं कि नहीं, बच्चा या खिलाड़ी मानसिक रूप से परिपक्व है, खेलने के लिए फिट है, तो उसे प्रतिभाग करने दें अन्यथा न करने दें, नहीं तो फिर भी उसको माइंड में प्रेशर आ जाएगा हारने और जीतने का। उसके बाद इसमें आता है कि
जो हम खेल कराने जा रहे हैं उस खेल से पूर्व हम उस खेल के बारीकी से बिल्कुल नियम बिल्कुल छोटे छोटे करके बताने का प्रयास करें, जिससे बच्चा खेल का नियमों के बारे में सही जानकारी रखे और खेल के दौरान उस नियमों का पालन करे। अगर हम उसको नियम नहीं बताते हैं, अगर उसको स्किल नहीं बताते हैं, तो वहां पर उसमें चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद आता है कि निम्न कोटि का, अगर हम उसे निम्न कोटि का ट्रेनिंग व्यायाम कराते हैं तो हमें यह ध्यान देना चाहिए उस खिलाड़ी को उस छात्र को कि विशेष खेलों में प्रतिभाग न करे, अन्यथा चोट लगने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है और उस वहां पर खेल जीवन उसका समाप्त हो सकता है। ये सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। उसके बाद इसमें आता है विशेष खेल के लिए विशेष कौशल का ही प्रयोग करें, विशेष ट्रेनिंग का ही प्रयोग करें, सामान्य ट्रेनिंग का प्रयोग न करें। उसके बाद आता है खेल के नियमों की जानकारी शिक्षकों में अगर नहीं रहती है और वो ट्रेंड करने लगते हैं छात्रों को, तो वहां पर छात्रों को चोट लगने की संभावना बढ़ती है, इस बात का भी ध्यान दें। उसके बाद जिस खेल में प्रतिभाग कर रहा है छात्र, उस खेल के प्रति जो हमारे उपकरण है उस उपकरण का जो है मानक है या नहीं, या खेल प्राधिकरण द्वारा उसको जो है मानक दिया गया है कि नहीं, या उसका प्रयोग करना हमारे लिए सही है कि नहीं, इसका जांच करना भी सबसे पहले इम्पोर्टेंट बनता है। तभी अगर जांच करके सफल आता है तभी उसका जो है प्रयोग करें, अन्यथा न करें। उसके बाद होता है खेल के दौरान जो हमारा मैदान है उस मैदान को भी बिल्कुल फ्रेश खेल के लिए तैयार करके रखें, अन्यथा मैदान में खेलते समय किसी प्रकार का ईंट गड्ढा इत्यादि चीज होती है तो वहां पर चोट लगने की संभावना बढ़ती है, इसलिए इससे पहले ध्यान देना चाहिए। उसके बाद एक आता है कंडीशनिंग, कि हमें जहां पे जिस स्टेट में जिस जिले में अगर प्रतिभाग करना है वहां का मौसम वहां का कंडीशन किस प्रकार का, उसके अनुकूल हमें खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए कि जहां पर वो जाएंगे खेलने के लिए वहां पर उस प्रकार उस कंडीशन में वो ढल सके। अगर ऐसे ट्रेनिंग उनको नहीं दी जाती है, विपरीत ट्रेनिंग दी जाती है तो वहां पर खेल के दौरान चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद आता है कि जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसको कंटिन्यू अभ्यास करें, विषम परिस्थिति हो या सामान्य परिस्थिति हो अभ्यास करने का प्रयास करें। बगैर अभ्यास का अगर हम खेल के दौरान खेल में या मैदान में उतरते हैं तो वहां पर भी चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद होता है कि जो हम उपकरण का प्रयोग करेंगे वो उपकरण हमारे लिए कितना सार्थक है, कि जो सही है या गलत है, उसका भी जांच कर लेना चाहिए। सामान्य खेल के लिए सामान्य उपकरण, विशेष खेल के लिए विशेष उपकरण, या कोई भी खेल हो, खेल से संबंधित जितने भी उपकरण हैं उन उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, बगैर उपकरण का खेल नहीं खेलना चाहिए। उसके बाद होता है कि खेल के दौरान हमेशा खिलाड़ी को एक युक्तिपूर्ण तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, जो हमें खेल के पहले खेल के बाद खेल के दौरान चीजें सिखाई जाती हैं किस प्रकार से हमें क्या करना, उसका जरूर ध्यान दें। उसके बाद प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण जब ट्रेनिंग या सही ट्रेनिंग या प्रशिक्षण देते हैं इस बात का भी ध्यान रखें वो कि खिलाड़ी जो हम सिखा रहे हैं वो अचानक उस कौशल का प्रयोग कर सकता है कि नहीं, इसकी भी उसको जो है चपलता के बारे में बताएं। ये आपका हो गया खेल के दौरान जो चोट लगते हैं उनके कारण इस प्रकार के होते हैं, ऐसे सुझाव होने चाहिए जिससे उनको खेल के दौरान चोट न लगे। उसके बाद हम आप देखेंगे कि खेल के दौरान चोट जब लग जाती है तो ट्रेनर को या उस समय जो व्यक्ति रहता है उसे क्या क्या करना चाहिए। तो प्राथमिक उपचार के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खिलाड़ी के समक्ष अत्यधिक लोगों का भीड़ न हो, वहां पर उसे ताजा हवा देने का प्रयास करें। उसके बाद चोटिल अगर व्यक्ति या खिलाड़ी मैदान पर हो जाता है तो एक दूसरे के सहयोग से उसे बाहर लाया जाए, न कि उसे अकेले आना जाए, स्ट्रेचर पर लाया। उसके बाद इसमें आता है कि अगर व्यक्ति या खिलाड़ी को चोट लग जाता है तो उसके सम्मुख कुछ ऐसे भयावह बातों का प्रयोग न करे जिससे खिलाड़ी और चोटिल होने की संभावना बढ़ जाए। उसके बाद आता है कि खेल के दौरान व्यक्ति अगर चोटिल हो गया तो खेल चोटिल होने के बाद उसने कौन से स्किल का प्रयोग किया था, गलत कर दिया सही कर दिया, इस बात का भी हम वहां पर प्रयोग या नहीं बताना चाहिए जिससे खिलाड़ी को आघात पहुंचे। उसके बाद खिलाड़ी को अगर सांस लेने में किसी प्रकार प्रॉब्लम हो जाती है चोट लगने के बाद तो वहां पर हमें कृत्रिम जो है सांस देने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद आता है कि जहां पर देखते हैं अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है या जहां पर अधिक चोट लगी है सबसे पहले वहां का उपचार करना जरूरी होना है।
चाहिए। उसके बाद आता है खिलाड़ी के आसपास किसी प्रकार का भीड़ लगाना।